तो यारो आ जाओ, अब शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट का ये दौरा। फैक्ट नंबर 10। तो यारो आप लोगों ने रोल्स रॉयस तो देखी होगी, कहीं ना कहीं फिल्मों में, वीडियोस में या गूगल की कहीं इमेज में कहीं ना कहीं देखी होगी। तो यारो इसे जानकर आप लोग सच में हैरान हो जाओगे। तो रोल्स रॉयस का इंजन इतना शांत होता है कि आपको आपके घड़ी की टिक टिक आवाज भी सुनाई देगी। वाओ। फैक्ट नंबर 9। अप्रैल फुल डे मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में ये मनाया जाता है, अक्सर हर साल मनाया जाता है। तो यारो क्या आपको मालूम है कि ये मनाया क्यों जाता है? इसका ये रहस्य जानकर आप लोग सच में हैरान हो जाओगे, मे बी आप लोग इसे मनाएं दोबारा। तो यारो पूरी दुनिया में अप्रैल फुल डे मनाया जाता है, उन सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में ये बोलकर मूर्ख बनाकर खुश होने की परंपरा आखिर शुरू कैसे हुई, जबकि दुनिया के सभी धर्मों में झूठ बोलना तो पाप माना जाता है। दरअसल बात यह है, सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल मास की फर्स्ट डे को न्यू ईयर मनाया जाता था, जो डेट अप्रैल में पड़ती थी। हमारे पूर्वज अप्रैल में न्यू ईयर मनाते थे। जिस देश की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून मिला है, उन पूर्वजों को ये अंग्रेज लोग ब्लडी फूल कहते थे। इसलिए अंग्रेजों ने पूरे अप्रैल महीने को अप्रैल फूल और फर्स्ट डे अप्रैल फूल डे मनाना शुरू कर दिया। और आज हम लोग शान और शौकत से अप्रैल फूल डे का मजा लेते हैं और दूसरों को उल्लू बनाकर हम लोग मजे लेते हैं। तो क्या हम लोगों को ऐसा करना चाहिए या हम लोगों को न्यू ईयर मनाना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। आप लोग ना जाने कितनी बार सड़कों पर गए होंगे, कहीं बाइक से, कहीं कार से, कहीं साइकिल से, कहीं पैदल ही निकल जाते होंगे। तो यारो आपने कभी ध्यान दिया है कि सड़कों पर ये पीली लाइंस क्यों बनी होती हैं? इसका मतलब क्या है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन आएगा कैसे नहीं, आखिर तुम्हारा भाई 90 टेक फैक्ट है, ऐसे कैसे नहीं आएगा। तो यारो इसका मतलब होता है कि आप अपनी लाइन में रहकर ओवरटेक कर सकते हैं, पर पीली लाइन के अंदर बाहर नहीं निकल सकते। वाओ, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोशनी देने वाली फ्लैश लाइट इमलेंट MS18 है? ये लाइट लगभग 1,00,000 ल्यूमेंस की रोशनी उत्पन्न करता है, जिससे एक बड़े क्षेत्र में रोशनी की जा सकती है। इस टॉर्च की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। वाओ। फैक्ट नंबर 6। तो यारो आपने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मे भी ध्यान दिया होगा, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि सैफ की लंबी टोपी क्यों होती है? दरअसल दोस्तों इसकी कई वजह है। सबसे पहले एक सैफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि जब वो खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में ना गिर जाएं, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और फिर रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही जो शेफ की टोपी होती है वो उसके स्किल्स को बताती है कि आखिर वो कितना बड़ा, वो कितना बड़ा महान इंसान है। वो उसकी टोपी से भी पता चलता है कि अगर किसी शेफ के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि शेफ 100 तरीकों से ऑमलेट बना सकता है। यही नहीं, सिर्फ ये जो स्कूल्स होते हैं या फिर रेस्टोरेंट या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ हर एक लेवल के शेफ के लिए एक अलग टोपी होती है, और जैसे ही शेफ का प्रमोशन होता रहता है वैसे ही उसकी टोपी चेंज होती जाती है। ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग की तरह होता है। वाओ, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 5। तो यार इसे जानने के बाद आप सच में हैरान हो जाओगे, मे भी वहाँ शिफ्ट भी हो सकते हो, वहाँ शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन जाना नहीं, बस मैंने बता दिया ऐसे ही। तो यार वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पर पेट्रोल की कीमत लगभग 1 रुपए से भी कम है। वाओ, लगभग 67 पैसे पर लीटर है। वाओ। फैक्ट नंबर 4। तो यारो अगर टाइटैनिक जहाज को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये अपने टाइम की हर इमारत से ऊंचा होगा, ये बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। वाओ, गजब। फैक्ट नंबर 3। तो यारो अमेरिका और मलेशिया में कई साइलेंट कैफे हैं जहां लोगों को इशारों में ऑर्डर देना होता है। इन कैफे को स्टारबक्स कंपनी चलाती है। इस प्रकार के कैफे को खोलने का मन लोगों को काम देना है जो बोल और सुन नहीं सकते। तो यारो आपका क्या कहना है इनके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। तो यारो रशिया काउ को वहाँ के एक किसान वीआर गॉगल्स लगाते हैं और उसमें हरे भरे खेत दिखाए जाते हैं। उनका कहना है कि इससे गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। वाह, क्या दिमाग है, मजा आ गया। फैक्ट नंबर 1। तो यारो इस फोटो को आप देख सकते हैं, ये क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स चैन नहीं लग रहा होगा, बट ये चैन नहीं है। अब इसके बारे में हम जानते हैं, ये आखिर है क्या? तेरे जापान के डिजाइनर यासुहिरो सुजुकी ने एक बहुत बड़ी अनोखी चैन के आकार की बोट बनाई। जब ये बोट चलती है तब ऐसा लगता है जैसे वो पानी को खोल दे रही है, जैसे हम लोग जिप खोलते हैं वैसे वो पानी को खोल दे रही है, ऐसा लगता है, होता नहीं है। वाओ। तेरो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग और फन इंटरेस्टिंग किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।